बताएं, रामनवमी नमस्कार शोभा यात्रा को लेकर क्या तैयारियां चल रही है, कैसा रूट चार्ट होगा? सबसे पहले तो सभी राम भक्तों को जय श्री राम। विगत 31 वर्षों से रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जा रही मधुबनी दुर्गा मंदिर प्रांगण से, और पूर्णिया शहर की एकमात्र शोभा यात्रा समिति है जिसके द्वारा ये निकाली जाती है, जिसमें विभिन्न छोटे छोटे दल के द्वारा रास्ते में भरत मिलाप के तौर पर मिला जाता है और शामिल होते हैं उसमें। और ये मार्ग जो है मधुबनी दुर्गा मंदिर, मधुबनी चौक, डॉलर हाउस चौक होते हुए नगर निगम गेट, आरंसा चौक, उसके बाद लखन चौक, रजनी चौक, लाइन बाज़ार, मस्जिद होते हुए पक्षी बाग से फिर स्टेशन रोड होते हुए सिटी काली मंदिर में विसर्जित भरत मिलाप के रूप में वहाँ विसर्जन होता है। और इसमें हर वर्ष लाखों लाखों की संख्या होती है। इस बार क्या तैयारियां हैं, कितनी झांकियां निकलेंगी, क्या कुछ खास देखने को मिलेगा इस बार? कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से नहीं निकला है, और इस बार जो है इस कारण से लोगों में और ज़्यादा उल्लास है, और समिति के द्वारा भी विभिन्न तरह की झांकी है, अच्छी अच्छी झांकी मंगाई गई है बाहर से, कलकत्ता से, काशी से, और डीजे और इत्यादि बहुत मतलब चीज़ है। और शोभा यात्रा में लाखों, हम लोग का टारगेट है कि 5 लाख पार का नारा है इस बार, ठीक है, 5 लाख पार हम लोग इसके लिए है कि 5 लाख पार हम लोग जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं कि हो। अच्छा, प्रशासनिक किस तरीके से आप लोगों को पूरे शोभा यात्रा में सहायता मिल रही है? प्रशासन का सहायता मिलता है हम लोग को, ठीक है ना, हम लोग लाइसेंस लेते हैं, उसके बाद अपने मार्ग से निकलते हैं। अच्छा, ये बताएं कि समय कितने बजे होगा निकलने का और कब तक लौटने का होगा? 11 बजे का समय हम लोग निर्धारित किए हैं, एक घंटा आगे पीछे हो सकता है। अच्छा, छोटे बड़े मिलाकर कुल कितने अखाड़े आप लोगों के साथ जुड़ने की संभावना है? लगभग 15 अखाड़े का। तैयारियां पूर्ण हो चुकी है? तैयारी पूर्ण की ओर है, लगे हुए हम लोग तैयारी में। एक बार आप पूर्णिया के दर्शकों को बता दें समय, दिन और रूट चार्ट। 11 अप्रैल दिन सोमवार 11 बजे दिन मधुबनी दुर्गा स्थान प्रांगण से शोभा यात्रा सिटी काली मंदिर पूर्णिया के लिए प्रस्थान करेगी। परिचय बता दें, बबलू सहाय, रामनवमी शोभा यात्रा समिति सह संयोजक। बताएं इस बार की तैयारियां कितनी है और क्या कुछ खास होगा? सबसे पहले जय श्री राम सभी पूर्णिया की जनताओं को और राम भक्तों को। मैं चाहूंगा कि इस बार जो रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जा रही है इसमें भव्यता बहुत है, इसलिए कि 2 वर्षों से रामनवमी शोभा यात्रा का आयोजन नहीं हुआ है, और इस बार हर घर से मेरा पूर्ण विश्वास है वो किसी भी धर्म के लोग हों वो इस रामनवमी शोभा यात्रा में निकल करके इस एक जनसैलाब निकलेगा पूर्णिया की धरती पर, और श्री राम के उद्घोष से पूरा पूर्णिया राममय आपको दिखेगा। और मैं निवेदन करता हूँ पूरे पूर्णिया के राम भक्तों से कि आप इस रामनवमी शोभा यात्रा में सम्मिलित हो, और ये मधुबनी से रामनवमी शोभा यात्रा का आयोजन विगत 31 वर्षों से चल रहा है, और यहाँ से डॉलर हाउस चौक, और डॉलर हाउस चौक से आरंसा चौक, आरंसा चौक कालीबाड़ी चौक, रजनी चौक, लाइन बाज़ार चौक, खीरू खुशकीबाग चौक होते हुए यह रामनवमी शोभा यात्रा सिटी में जाकर भरत मिलाप के साथ वहाँ पर संपन्न किया जाता है। और इस बार पूरी जोर शोर से हर घर से लोग रहेंगे, और एक भाईचारा का संदेश लेकर के हम रामनवमी शोभा यात्रा का जो कमिटी है एक भाईचारा का संदेश देते हैं। आप लोगों से पुनः निवेदन करते हैं कि इस रामनवमी शोभा यात्रा में पुरजोर रूप से सम्मिलित हो। बहुत बहुत नमस्कार। बताएं झांकियां इस बार की कैसी होगी? झांकियां इस बार जो है शिव पार्वती, राम परिवार और कृष्ण परिवार जो आकर्षण का केंद्र होगा, वहीं इस बार जो मूर्ति है वो भारत माता का मूर्ति होगा जो दूर से ही लोगों को दिखेगा,
और इस बार रामनवमी शोभा यात्रा में जो उत्साह पूर्णियावासियों में देखने को मिल रहा, क्योंकि विगत रामनवमी शोभा यात्रा समिति के लगभग जितने सदस्य हैं, जो जितने उत्साह से समिति के सभी सदस्य फील्ड पर मेहनत कर रहे हैं, उनका नतीजा और जो समाज के जो लोग बढ़ चढ़ कर इसमें अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं, चाहे वो हर घर में अपना पताका, जो पिछले कई वर्षों से हम लोग नहीं देखते थे, इस बार लोग बढ़ चढ़ कर अपने घरों पे दो चार पताका लगा रहे हैं, जिससे दूर से ही पूरा शहर भगवा में दिख रहा है। परिचय प्रवीण कुमार, सह संयोजक श्री रामनवमी शोभा यात्रा समिति मधुबनी पूर्णिया।